फाइनली दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड की फिल्म भूल भुलैया 2 और मेजर तो रुकने का नाम नहीं ले रही, तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर विक्रम काफी शानदार कमाई करती हुई नजर आ रही है। 777 चार्ली को दोस्तों रिलीज हुए आज एक हफ्ता पूरा होने जा रहा है और इस एक हफ्ते में इस फिल्म ने भी दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई कर ली है। तो वहीं दोस्तों बॉलीवुड के खिलाड़ी भैया अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज ने आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 2 हफ्ते पूरे कर लिए हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम इन सभी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, साथ ही साथ जानने वाले हैं दोस्तों कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों को हिट, सुपर हिट, फ्लॉप का स्टेटस मिला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं पिछले हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्म विक्रम और मेजर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि मेजर, जिसके लीड में आपको अदि विशेष और साई माजरेकर नजर आई थी, वहीं इस फिल्म का डायरेक्शन किया था शशि किरण टिक्का ने। यह फिल्म दोस्तों शहीद संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन के ऊपर बनाई गई थी, जिसे कि बॉक्स ऑफिस पर लगभग 1500 से 2000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और इस फिल्म ने अपने पहले दिन दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 13.5 करोड़ रुपए की शानदार ओपनिंग ली। ऑडियंस की तरफ से मिले हुए आउटस्टैंडिंग रिव्यूज के बाद दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। वहीं दोस्तों अपने दूसरे हफ्ते भी यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस का दिल जीतने में कामयाब रही और हिंदी में यह फिल्म जहां 11 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है, तो वहीं दोस्तों तेलुगु में फिल्म का कलेक्शन 30 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर टोटल यह फिल्म 60 करोड़ रुपए की कमाई अपने शुरुआती 13 दिनों में कर चुकी थी। बात की जाए दोस्तों यहां पर इस फिल्म के अगर आज के कलेक्शंस की, तो दोस्तों आज भी यह फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई कर रही है, जिससे कि इस फिल्म का टोटल 61 करोड़ 20 लाख रुपए से ज्यादा का हो चुका होगा और यह फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। बात की जाए दोस्तों यहां पर दूसरी फिल्म यानी विक्रम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि विक्रम एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म के लीड में आपको तमिल सिनेमा के सुपरस्टार कमल हसन, विजय सेतुपति और फहद फाजिल नजर आए हैं। लोकेश कनगराज के डायरेक्शन में बनने वाली दोस्तों इस एक्शन थ्रिलर फिल्म को ऑडियंस की तरफ से आउटस्टैंडिंग रिव्यूज मिले हैं, यहां तक कि दोस्तों इस फिल्म को तमिल सिनेमा की KGF भी बताया जा रहा है और यही वजह है दोस्तों कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। अगर बात की जाए दोस्तों यहां पर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों बता दें आपको कि अपने पहले दिन 58 करोड़ से ज्यादा बड़ी ओपनिंग लेने वाली इस फिल्म ने अपने पहले ही हफ्ते में लगभग 270 करोड़ से ज्यादा की कमाई दुनिया भर से कर ली थी। अपने दूसरे हफ्ते के 3 दिनों में दोस्तों यह फिल्म 325 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी थी। तो वहीं दोस्तों अपने वीकडेज में भी यह फिल्म काफी अच्छी कमाई कर रही है और 350 करोड़ रुपए की कमाई आज अपने 14वें दिन के कलेक्शन को मिलाकर कर चुकी है। दोस्तों बता दें आपको कि आज इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 7.5 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर रहे हैं। उम्मीदें हैं दोस्तों कि यह फिल्म दुनिया भर में 400 करोड़ रुपए की कमाई करके कमल हसन के करियर की और तमिल सिनेमा की सबसे बड़ी ग्रोसर फिल्म साबित हो। बात की जाए दोस्तों यहां पर तीसरी फिल्म यानी कि भूल भुलैया 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि भूल भुलैया 2 जो कि एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म के लीड में आपको कार्तिक आर्यन और ब्यूटीफुल कियारा आडवाणी नजर आई थी। अनीस बज्मी के डायरेक्शन में बनने वाली दोस्तों इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन तो जहां 14 करोड़ रुपए की ओपनिंग मिली, तो वहीं दोस्तों ऑडियंस की तरफ से मिले हुए आउटस्टैंडिंग रिव्यूज की वजह से यह फिल्म अपने पहले हफ्ते में ही एक हिट फिल्म साबित हुई और लगभग 80 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी थी। अपने दूसरे हफ्ते दोस्तों इस फिल्म ने 140 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर दिया था, तो वहीं दोस्तों अपने तीसरे हफ्ते इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे वो लगभग 170 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर चुके थे। यह इस फिल्म का दोस्तों 4वां हफ्ता चल रहा है और इस हफ्ते भी यह फिल्म ऑडियंस को काफी पसंद आ रही है। यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म के अपने शुरुआती 27 दिनों के जो कलेक्शंस है वो 175 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुके हैं। आज दोस्तों यह फिल्म लगभग 1 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है, जिससे कि इस फिल्म का टोटल 176 करोड़ रुपए का इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस और 250 करोड़ रुपए का दुनिया भर में हो चुका है और भूल भुलैया 2 इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। बात की जाए दोस्तों यहां पर अगली फिल्म यानी कि 777 चार्ली के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, जिसके लीड में दोस्तों आपको कन्नड़ सिनेमा के टैलेंटेड एक्टर रक्षित शेट्टी और चार्ली डॉग नजर आया है। दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म को भी
ऑडियंस की तरफ से काफी पसंद किया जा रहा है। किरण राज के डायरेक्शन में बनने वाली दोस्तों इस फिल्म ने ऑडियंस को इमोशनल करने के साथ साथ हंसाया भी है और रुलाया भी है। यही वजह है दोस्तों कि ट्रिपल सेवन चार्ली इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां हिंदी में तो शानदार कमाई कर ही रही है, साथ ही साथ दोस्तों कन्नाड़ा, तेलुगु और तमिल में भी इस फिल्म को ऑडियंस पसंद कर रही है। यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म ने जहां अपने पहले दिन लगभग 8 करोड़ रुपए की कमाई दुनिया भर से की थी, तो वहीं दोस्तों अपने शुरुआती 3 दिनों में यह फिल्म लगभग 25 करोड़ से ज्यादा की कमाई दुनिया भर में कर चुकी थी और अपना बजट रिकवर करते हुए एक हिट फिल्म बन चुकी थी। अपने वीकडेज में भी इस फिल्म को ऑडियंस काफी पसंद कर रही है और यही वजह है दोस्तों कि यह फिल्म हिंदी में जहां 5 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है, तो वहीं दोस्तों अगर इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो शुरुआती 6 दिनों में दोस्तों इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 35 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर दिया था। आज दोस्तों ये फिल्म लगभग 4.5 से 5 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है, जिससे कि इस फिल्म का टोटल 40 करोड़ रुपए का हो चुका होगा और 777 चार्ली इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ दुनिया भर में एक सुपर ब्लॉकबस्टर बन चुकी होगी। बात की जाए दोस्तों अब यहां पर अगले फिल्म यानी कि सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज की बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि पृथ्वीराज जो कि बॉलीवुड की एक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म में आपको अक्षय कुमार सम्राट पृथ्वीराज के कैरेक्टर में नजर आए हैं। इस फिल्म को दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पिछले हफ्ते लगभग 4000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, जहां पर इस फिल्म ने अपने पहले दिन लगभग 11 करोड़ रुपए की कमाई इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर की और शुरुआती 3 दिनों में यह फिल्म 40 करोड़ रुपए की कमाई इंडिया से कर चुकी थी। हालांकि दोस्तों ऑडियंस की तरफ से मिले हुए मिक्स रिव्यूज के बावजूद भी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और अपने पहले हफ्ते में जहां इस फिल्म ने 55 करोड़ रुपए कमाए, तो वहीं दोस्तों अपने दूसरे हफ्ते भी इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो 70 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करते हुए नजर आ रहे हैं। कल तक दोस्तों इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 67 करोड़ रुपए के हो चुके थे। आज के कलेक्शन मिलाकर दोस्तों ये फिल्म 68 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर रही है, तो वहीं दोस्तों दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का कलेक्शन 86 करोड़ रुपए का हो चुका होगा। बताते चले दोस्तों आपको कि अक्षय कुमार की इस फिल्म का बजट काफी ज्यादा था, यही वजह है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई है। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर अगली फिल्म यानी कि इस साल रिलीज होने वाली वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म ब्रह्मास्त्र के बारे में, जिसके ट्रेलर को रिलीज हुए आज 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है और इन 24 घंटों में दोस्तों इस फिल्म के ट्रेलर ने 50 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हासिल करके एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बताते चले कि अयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बनने वाली माइथोलॉजिकल ड्रामा फिल्म है ब्रह्मास्त्र, जिसके लीड में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन सर और नागार्जुन सर नजर आने वाले हैं। लगभग 300 करोड़ से ज्यादा के बजट में बनने वाली दोस्तों ये फिल्म बॉलीवुड की एक विजुअली फिल्म है, जिसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 9 सितंबर को रिलीज किया जाना है और ये फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम भाषा के अलावा हॉलीवुड में इंग्लिश में भी रिलीज हो सकती है। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म के रिलीज को लेकर काफी बड़ी प्लानिंग हो चुकी है, क्योंकि इस फिल्म को इंडिया और दुनिया भर में डिज्नी जैसा बड़ा प्रोडक्शन हाउस डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, जो कि इससे पहले मार्वल्स की बड़ी बड़ी फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है। और यही वजह है दोस्तों कि ब्रह्मास्त्र से इंडियन ऑडियंस को काफी उम्मीदें हैं, तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी यह फिल्म अपने पहले दिन एक रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग ले सकती है और बॉलीवुड इतिहास की पहली 100 करोड़ फिल्म अपने पहले ही दिन बन सकती है। उम्मीदें हैं दोस्तों कि ब्रह्मास्त्र को ऑडियंस पसंद करेगी और इस तरह की बड़ी फिल्मों को ऑडियंस सपोर्ट करके इस फिल्म को सुपरहिट करवा देगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ब्रह्मास्त्र इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर पाएगी या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।